द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एचपीएससी वैकेंसीज के नए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सभी को पता है एचपीएससी का जो है एग्ज़ाम पैटर्न जो है वापस ले लिया, अब चेंज होने वाला है। तो जो पूरी उम्मीद थी वो प्रीलिम्स और मेंस इसमें होगा, तो इस पर सीएम साहब की भी प्रतिक्रिया आ गई है। तो सीएमओ की तरफ से ट्वीट है। तो ये हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी एक स्वायत्त संस्था है। किस पद की क्या भर्ती प्रक्रिया होगी, परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर आधारित या सब्जेक्टिव टाइप लेनी है, क्या पाठ्यक्रम होगा, यह सब आयोग का ही निर्णय होता है। इसमें राज्य सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करती। तो सीएम साहब ने एक तरीके से अपना जो बयान दे दिया है कि भाई एचपीएससी जो करेगी वो अपनी तरफ से करेगी, सरकार उसमें दखल नहीं देगी। तो इस बयान से पूरा भाई स्पष्ट हो गया है, एचपीएससी जो पीजीटीज और बाकी वैकेंसीज में एचसीएस की तरह प्रीलिम्स और मेंस करती करना चाह रही है। मेंस में जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम सब्जेक्टिव जो होना। तो अब जो है एचपीएससी किसी भी टाइम जो है एक तरीके से नोटिफिकेशन एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का जारी कर सकती है। तो इस बारे में कोई और अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले चैनल पर बता दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।